नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव से पहले नेताओं द्वारा पार्टियां बदलना भी आम बात है। कोई खुद तो कोई बेटे बेटियों को स्थापित करने के लिए इधर उधर छलांग लगाएगा ही। राजनीतिक विश्लेषकों व मीडिया कर्मियों को भी नेताओं के बयान व उनकी हर मूवमेंट पर रिपोर्टिंग करने का अवसर मिल जाता है। इन दिनों कांग्रेस छोड़कर आई किरण चौधरी के अलावा गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है। 24 जून को रोहतक में आयोजित सांसद सम्मान समारोह में राव नहीं पहुंचे तो चर्चा इससे भी आगे निकल गई। क्या राव कुछ नया करने वाले हैं, क्या करेंगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन अब कयास लगाए जाने लगे कि आखिर राव रोहतक में बुलाई गई बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राव नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री की बजाय फिर से राज्य मंत्री का झुनझुना थमा दिया गया। ऐसे में लाजमी था कि राव से यह सवाल जरूर पूछा जाए कि आखिर राव रोहतक की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। बीते मानसून में जल भराव के चलते देश भर में शर्मसार हो चुके गुरुग्राम में हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में अधिकारियों की बैठक ली और समाधान के आदेश भी दिए। बैठक से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने सवाल दाग दिया कि रोहतक में क्यों नहीं पहुंचे। राव ने जवाब दिया कि 74 का हो चुका हूं, पीठ में दर्द था, और मुस्कुराकर चल दिए। बस इसी मुस्कुराहट को समझने की जरूरत है। आखिर राव कहना क्या चाह रहे थे? जानकारों का कहना है कि राव की पीठ से ज्यादा पेट में दर्द था क्योंकि हरियाणा के सबसे वरिष्ठ 6 बार के सांसद होने के बावजूद उनके जूनियर को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। इतना ही नहीं, अहम मंत्रालय भी दे दिए गए। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राव घर वापसी करेंगे या कुछ और, या फिर यह राव की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। खैर छोड़िए, इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में हो ही जाएगा। अब आपको दिखाते हैं गुरुग्राम में अधिकारियों की बैठक लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए राव इंद्रजीत सिंह ने आखिर क्या कहा। की बैठक लिया आपने मॉनसून से पहले? देखो, बारिश सर के ऊपर है और फ्लडिंग की तो समस्या हर साल आती रही है, तो जितने प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो पहले ले लिए जाएं, उसकी समीक्षा के लिए मैं यहाँ पर आया था और बातचीत करी है। साथ में हमारे जो भूतपूर्व यहाँ पे काउंसलर्स हैं उन्होंने अपने अपने एरिया की समस्याएँ बताई हैं, उसके बारे में भी हल करने की सोच रहे हैं। स्पोर्ट्स फर्स्ट फैसिलिटीज़ हैं वो अपग्रेड हों, पानी जो हमारा ट्रीटमेंट का होता है वो ठीक हो और डमढमा तक पहुँचे, आगे तक पहुँचे। जो दौलताबाद की तरफ को और ड्रेन नंबर 8 की वजह से जो पानी भर जाता है हमारे गुड़गांव के कई गांवों के अंदर, उसके अंदर लोगों को राहत देने के लिए और वहाँ पर एक झील बनाने के लिए जो एजेंडा पे कई महीनों से बात चली जा रही है उसकी अपडेट लेने के लिए मैं आया हुआ था। अच्छा, क्या उम्मीद लगाई जाए कि इस बार बारिश में गुड़गांव नहीं डूबेगा? देखो, उम्मीद तो हर साल लगाई जाती है पर हर साल उम्मीद के ऊपर शायद अमल नहीं हो पाता। अधिकारियों ने अब तक सीवरेज के टेंडर जारी नहीं किए सर? सीवरेज के टेंडर जारी नहीं किए सर? वो अभी आज ही मेरे को मालूम चला है कि 2-3 जगह के ऊपर जहाँ पर सफाई के टेंडर लगने चाहिए थे वो जारी नहीं हुए हैं। जो एक इको ग्रीन नाम की एक कंपनी है उसके विषय के अंदर जो खामियां पिछले 5-6 साल से सबके सामने पेश आ रही हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, इस चीज़ की भी चर्चा मैंने करी है और कार्रवाई करवानी चाहिए। हाँ, स्टेटस क्या है? वो अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने स्टेटस कर दिया है लेकिन ये नहीं कहा कि भाई वो कार्यरत रहेगी। तो जो उन्होंने दूसरे टेंडर फ्लोट किए थे उसके ऊपर अमल करने का, मलबा उठाने का काम जारी हो सकता है, तो ये हमने आज निर्देश। अच्छा राव साहब, एक राजनीतिक सवाल की भारतीय जनता पार्टी देने का हो सकता है? इको ग्रीन को भी? नहीं, वो इको ग्रीन को थोड़ी मिलेगा, उसको कैंसिल कर दिया, उसको तो हिस्ट्री है, वो तो कोर्ट केस हो गया। वो तो अब कोर्ट क्या फैसला लेगा वो हम नहीं जानते, लेकिन जो इको ग्रीन को हटाने के बाद मलबा उठाने के लिए उसको प्रोसेस करने के लिए जो टेंडर लगा रखे थे, जब तक कि इको ग्रीन का कैंसिल नहीं होता दूसरे वालों को हम काम नहीं दे सकते थे, वो अब दे सकते हैं। अच्छा सर, राव साहब रोहतक नहीं पहुंचे आप सांसदों के सम्मान समारोह में, तरह तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्या कुछ वजह रही सर? यार मैं पिछले 74 साल का हो गया, मेरी पीठ में दर्द हो गया था।